हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग अफेयर्स पर। दोस्तों, कांग्रेस ने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी पर ब्लेम किया है। वही एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते उसने कई मुद्दों पर बीजेपी से सवाल भी किए हैं। और एक बार फिर से इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी को टारगेट करते हुए कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी से ये पूछा है कि भारतीय के अच्छे दिन कहाँ हैं। अगर दोस्तों हम इन मुद्दों पर बात करें तो कांग्रेस ने सबसे पहले बीजेपी से इन इश्यूज पर बात करने के लिए कहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इंडियंस देश को छोड़कर जा रहे हैं, क्या वो अच्छे दिन ढूंढने के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं। इसी पर कांग्रेस की स्पोक पर्सन गौरव वल्लभ ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक डेटा शो करके ये बताया है कि 2022 के पहले 10 महीनों में करीब 183,741 इंडियंस ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हर दिन करीब 604 लोग इंडिया छोड़ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2014 के मुकाबले ये फिगर 1.7 टाइम्स ज्यादा है। उन्होंने इतने बड़े लेवल पर इंडियन द्वारा की जा रही सिटीजनशिप को रिनाउंस करने के पीछे 6 बड़े कारण बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है कंसिस्टेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वही दूसरा है लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के गलत इम्प्लीमेंटेशन की वजह से इंडिया की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी काफी कम हो गई है। वही तीसरा रीजन ये है कि ग्लोबल इंडेक्स जो हंगर, जेंडर गैप और प्रेस फ्रीडम को बताते हैं, उसमें इंडिया सबसे पुअर परफॉर्मिंग कंट्री है। इसी के साथ इंडिया में गरीब लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते समय गौरव वल्लभ ने ये भी कहा है कि इंडिया को छोड़कर जाने वालों में सबसे ज्यादा लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, और इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से ये भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर अपने मन की बात रेडियो शो में इन लोगों से इंडिया को छोड़ने का रीजन भी पूछे। अगर हम डेटा पर ध्यान दें तो 2022 में जिन लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस की थी, उसमें से 7,000 लोगों की एनुअल इनकम 8 करोड़ से ज्यादा थी। और इसीलिए गौरव वल्लभ ने ये भी सवाल किया है कि जिस अमृत काल की बात प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वे सच में है भी या नहीं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के लीडर ने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया की इकोनॉमिक प्रेमिस जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था, उससे तहस नहस कर दिया है, और इसी वजह से बीजेपी को करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की जरूरत पड़ी। दोस्तों, इस बारे में आपकी राय जरूर बताएं, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।